अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़िया खान और आप देख रहे हैं किरदार टीवी। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं बशर ज़िया के पास, वहाँ अफ्तार पार्टी है। मुझे बाबा आपका क्या कहना है? आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और काशा बशर ज़िया जो है वो हमारे दोस्त भी है और हमारी मस्जिद के इमाम साहब के बेटे भी हैं, और दूसरी बात ये कि वो हमारे टीम मेम्बर भी हैं। और अब हम जाते हैं उनके पास, उन्होंने हमारे को अफ्तार को बुलाया और चेक करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हमारे को अफ्तार में क्या आपको। नाज़रीन, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं उगाशा ज़िया के पास, आप देख सकते हैं उगाशा ज़िया यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें, खैरियत से हो? क्या हुआ भाई, ब्लॉग बन रहा है? जी जी, ब्लॉग बन रहा है। खैरियत से नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं उगाशा ज़िया, आप तो मुझे जानते ही होंगे। जैसे कि हम आ चुके हैं उगाशा ज़िया के पास, आप देख सकते हैं ये उगाशा ज़िया की मस्जिद है, ये मुजीब बाबा। यार इंट्रो यही हमारे वाले साहब को दौलत कर रहा है, और यहाँ पे मेरे वाले साहब जो है इमामत की फराइज पर अंजाम देते हैं। हमारा एक किराया जो सही होकर चल रहा है, और खाना तकरीबन इफ्तारी का इंतजाम हो गया है, और आज कुछ खास इफ्तारी का इंतजाम था। और बाहर के मेहमान भी आए, मैंने अपने दोस्तों को भी इन्वाइट किया, मुजीब बाबा भी यहाँ मौजूद हैं, ज़िया खान भी यहाँ मौजूद हैं, और यही हम तीन हजरात हैं और हम ये किरदार टीवी चैनल चला रहे हैं, और हमारे ब्लॉग्स आप देखते रहते हैं और इसी तरह हमारे साथ देता रहा करें। बाकी आगे इफ्तारी का वक्त होने वाला है, हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, जो बचपन में हम लोग बाहर घुमा करते थे, अफ्तारी का टाइम होता था, अभी तो इस रमजान में तो वैसे अपने अक्सर इफ्तारी हमारी गुजरी है ब्लॉग वगैरह के चक्कर में। हाँ, वो भी देखिए अब क्या करें, जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, वो भी काम भी करना है, मज़ा भी आया, मज़ा भी बहुत आता है, ये बात भी है, मज़ा भी बहुत आता है। पर छोटे थे क्या करें, बचपन जो होता है उसका मज़ा एक अलग होता है, बड़े होने के बाद जो काम के साथ था हम लोग बाहर अफ्तार करते थे, मतलब हमारी मजबूरी होती है। अच्छा मुजीब बाबा, ये बचपन में जो मस्जिद में हम लोग इफ्तारी करने भाग जाया करते थे, और फिर भी अपने इफ्तारी की, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर? सुनने वाला मज़ा तो मस्जिद में आते थे, फिर घर पर आते। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुन लिया है कि मुजीब बाबा की ज़बानी भी और उगाशा भाई की ज़बानी भी, इनका ये कहना है कि मस्जिद में रोज़ा रखना बचपन भी याद है, और उगाशा भाई का कहना है कि हमने अफ्तारी तो बाहर करी है, बाहर ही करिए, ज़्यादा जितने भी लोग बनाए वो बाहर के ही हैं। हम अलविदा कहते हैं अपने नाज़रीन, इफ्तारी का वक्त भी हो रहा है। ये क्या हो रहा है मुजीब बाबा, बताएं? और आप हिलाने के देख को हिलाने के फराइज अंजाम दे रहे थे। बहुत अच्छा दस्तरखान सजा हुआ है इधर, और ये मस्जिद के इमाम साहब हैं और ये हमारे उस्ताद भी हैं, ठीक है? तो हम इनसे मालूम करते हैं कि किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इमाम साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुना खैरियत? कैसा लगता है आपको हर रमज़ान में इतना बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत दस्तरखान? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ऐसे दस्तरखान पे, तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और अपने नूरी मलाइका फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने इंसानों के लिए कहा था कि इनको पैदा नहीं करो, आज देखो कैसे मेरी रज़ा के लिए राज़ी हैं, मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा हुक्म होगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो दस्तरखान जैसे लगते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लगा, आप देखेंगे, देखें कितना बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत दस्तरखान सजाया है, उस कोने से लेकर इस कोने तक, और बच्चे भी बहुत बताए ये हमारे बच्चे के मदरसे के बच्चे रिहायशी तलबा हैं, और इसमें अहले मोहल्ला के तो बच्चे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके लिए अल्लाह पाक ने ये दस्तरखान लगाया है, और ये अभी रोज़ा इफ्तार करेंगे, और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करें। नाज़रीन, आपने हमारे वाले साहब, हमारे मुरब्बी और हमारे यहाँ पे जो इमाम साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, और उनके बाद जो यहाँ पे जुम्मे की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और साउथ अफ्रीका में भी रहे हैं और मेरे मामू भी हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं।
जी मामू, कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस यही पैगाम है कि अल्लाह की इबादत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो, और मखलूक की खिदमत हो और ख़िदमत का जज्बा हो। तो रमज़ान मुबारक की ये बहुत ही बाबरकत साथ हैं, इसमें जितना हो सकता है गुरबा का, सफ़ेद पोशों का ख्याल करना चाहिए, और सहरी इफ्तारी के मामलात हैं, इन तमाम लोगों का ख्याल करना चाहिए। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा कार खैर है, बहुत बड़ा सवाब का काम है, अल्लाह की रज़ा का काम है। तो इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है, यही पैगाम है, यही मैसेज है तमाम दोस्तों को कि जितना हो सकता है लोगों का ख्याल करना चाहिए। आपने इनकी अहम गुजारिशें सुनी, और आखिर में एक बार फिर मेरी अपने नाज़रीन से वही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।